बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी नज़र इंसान को कब्र और ऊंट को हांडी तक ले जाती है, ये एक पुरानी कहावत है जिस पर आज लोग यकीन नहीं करते और कहते हैं कि ये सब तो हम प्रस्ती और मन घड़त बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नज़र बद या नज़र लगना एक कदीम तसव्वुर है जो दुनिया की मुख्तलिफ अकवाम में पाया जाता है। इस्लाम के सदर अव्वल में दुश्मनाने इस्लाम ने इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए अरब के इन लोगों की खिदमात लेने का इरादा किया जो नज़र लगाने में शोहरत रखते थे। इनका दावा था कि वो जिस चीज़ को नुकसान पहुँचाने के इरादे से देखते हैं इनके देखते ही वो चीज़ तबाह हो जाती। अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके शर से महफूज रखा और इन बदनीयतों के तमाम हरबे नाकाम हो गए। इनकी इस शर्मगेजी को कुरान में इस तरह से बयान किया है कि और बेशक काफर लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि आपको अपनी हासिदाना बद नज़रों से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। नाज़रीन ग्रामी, इस आयत में नज़र बद के नुकसान और उसकी तासीर की तरफ इशारा है। सवाल ये है कि क्या वाकई नज़र बद लगती है? अगर नज़र बद इंसान को नुकसान पहुंचाती है तो इसका इलाज क्या है? क्या सही अहदीस में नज़र बद का जिक्र मौजूद है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र का लग जाना हकीकत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोदने से मना फरमाया। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो के आखिर में हम वो हदीस भी बयान करेंगे जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र बद का दम किया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र हक है, अगर कोई चीज़ तकदीर को काट सकती है तो नज़र है, और जब तुमसे नज़र के इलाज के लिए गुसल करने के लिए कहा जाए तो गुसल कर लो। इस हदीस में गुसल से मुराद ये है कि इस वक्त अरब में यह दस्तूर था कि जिस शख्स की नज़र बद किसी को लग जाती तो उसके हाथ पांव और ज़ेरे नाफ हिस्से को धोकर वो पानी इस शख्स पर डालते थे जिसको नज़र लगती थी और इस चीज़ को शफा का ज़रिया समझते थे। इसका सबसे अदना फ़ायदा ये होता था कि इस ज़रिया से मरीज़ का वहम दूर हो जाता था। चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी और फरमाया कि अगर तुम्हारी नज़र किसी को लग जाए और तुमसे तुम्हारे आज़ाद धोकर मरीज़ पर डालने का मुतालबा किया जाए तो इसको मंजूर कर लो। इसमें कोई शक नहीं कि नज़र बद के इंतहाई बुरे असरात होते हैं, इसीलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद से बचने के लिए कुरान की खास आयत दम करने का भी हुक्म दिया है जिसे इस वीडियो के आखिर में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। इसी सिलसिले में हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीज़ों के लिए झाड़ फूँक की इजाज़त दी है, नज़र बद, बिच्छू के काटे पर फोड़े फिंसी के लिए। हज़रत आयशा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नज़र बद से बचने के लिए हुक्म फरमाया कि नज़र बद ना लगने का दम किया करो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि एक बार अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ लाए। घर में एक बच्ची भी थी जो कि बहुत कमज़ोर थी। कमज़ोरी की वजह से इसका रंग पीला पड़ गया था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्ची को देखा और फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, अल्लाह ताला की पाक कलाम पढ़कर इस पर दम करो, इस बच्ची को बद नज़र लगी हुई है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद के बारे में इस कदर फरमाया है कि नज़र बद ऐसी चीज़ है जो हर किसी को लग सकती है। ये तो ऐसी चीज़ है जो कि एक माहिर घुड़सवार को अपने ही घोड़े से गिराकर रख देती है। कुछ लोग हसद करने वाले होते हैं जिनकी नज़र लग जाती है, लेकिन हर हसद की नज़र बद नहीं लगती। हसद करने वालों की बद नज़र से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म और तालीम दी गई है। बूढ़ों और जवान की नस्बत से बच्चों पर बद नज़र के असरात ज़्यादा होते हैं। जब किसी को नज़र बद लग जाए तो हमें अल्लाह ताला की पनाह मांगते हुए इस पर दम करना चाहिए।
ताकि जिसको नजर बद लगी है इसकी जान इस हास्दी नजर से छूट जाए। एक दफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद से हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाफर तैयार की बीवी अस्मा बिनत उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, क्या वजह है कि मैं इन मासूम बच्चों को बहुत कमजोर देख रहा हूँ, क्या घर में खाने पीने की कमी तो नहीं है? अस्मा उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए हजूर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि घर में खाने पीने की कोई कमी तो नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन बच्चों को नज़र बहुत जल्द लग जाती है जिसकी वजह से बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा बिनत उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि अपने बच्चों पर अल्लाह ताला की पाक कलाम पढ़कर दम किया करो, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये ठीक हो जाएंगे। अस्मा बिनत उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दम के कुछ अल्फाज पेश किए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन बच्चों पर दम करो। दम से मुराद वो अल्फाज हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला के हजूर नजर बद से निजात और शफा तलब की जाती है। हम किस तरह जान सकते हैं किसको नजर बद लगी है कि जादू या कोई साया होने का सरात है? किसी को नजर बद लगने और जादू टूने की कुछ इलामत तो खुद ही नजर आ जाती हैं। नजर बद और जादू टूने की कुछ निशानियां जो मरीज के जिस्म पर, नफ्सियात पर या मामूल से हटकर रवैये से जाहिर होती हैं। अगर किसी को ऐसी निशानियां जाहिर होती हैं तो इसको पहले चाहिए कि वो किसी अच्छे से नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाकर चेकअप भी करवा लें। अगर ऐसा करने से भी मरीज को शिफा ना मिल रही हो तो तब जाकर किसी से नजर बद और जादू टूने के बारे में पूछना चाहिए। मरीज को पहले चेक करवा कर तसल्ली कर लेनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमारे जहन में एक ही सवाल अटका हो कि इसको बद नज़र ही है या इस पर जादू या सेब का असर हो गया है। इसका अंदाज़ा इस तरीके से लगाया जा सकता है जो कुरान पाक में इसके बारे में आयात बताई गई हैं, तो इसको पढ़कर मरीज के ऊपर दम किया जाए। जब इन सूरतों को पूरे अमल के साथ पढ़कर मरीज के ऊपर दम किया जाता है तो मरीज पर मदज्जा ज़ैल निशानियां नमूदार होती हैं। नंबर एक, इसके चेहरे पर पीलाहट जाहिर होना। नंबर दो, सांस लेने में दुश्वारी महसूस होना। नंबर तीन, कुरान पाक की तलावत पढ़कर दम करने के दौरान इसके जिस्म में दर्द का शुरू होना। नंबर चार, आम रूटीन के मुताबिक इसको ज़्यादा गर्मी का लगना। नंबर पाँच, मरीज़ को बहुत ज़्यादा पसीना आना, मरीज़ की कमर पर पसीना का कम या ज़्यादा होना। नंबर छः, सीने में घुटन का महसूस होना। नंबर सात, मरीज़ पर दम करते वक्त मरीज़ का बेचैन होकर अपनी नज़र को इधर उधर दौड़ाते रहना। नंबर आठ, मरीज़ का बिला वजह आंसू आना और रोना वगैरह। नंबर नौ, मरीज़ पर दम करते वक्त मरीज़ के जिस्म के हिस्सों का मामूल के मुताबिक हरकत का तेज़ या सुस्त होने की वजह से भी मालिज को पता चल जाता है। नंबर दस, दिल डूबने की कैफियत वार्द होना। नंबर ग्यारह, पट्ठों का सख्त हो जाना, पट्ठों पर खिंचाव का पड़ना। नंबर बारह, बहुत ज़्यादा नींद आना और किसी काम को करने का दिल ना करना। नंबर तेरह, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का ठंडा हो जाना। नंबर चौदह, किसी तिबी इलाज के बगैर ही जिस्म पर नीले पीले सब्ज दागों का जाहिर होना। नंबर पंद्रह, पहलुओं में दर्द महसूस होना। नाजरीन ग्रामी, नजर बद के बेहतरीन इलाज के लिए माउस तीन पढ़कर मरीज पर फूंक मारनी चाहिए। कुरान मजीद की आखिरी दो सूरतों को मौज़ तीन कहते हैं। इन सूरतों में अल्लाह की पनाह मांगी गई है, इसलिए ये बेहतरीन इलाज है नजर बद का। जोजा मतहरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर आपको दम करते और ये कलमात कहते, मैं अल्लाह के नाम से आप पर दम करता हूँ और अल्लाह ही आपको शिफा देगा हर एक बीमारी से जो आप में है और गिरों पर, गांठों पर जादू और टूने कर कर के फूंकने वालियों के शर से और हसद करने वाले के शर से और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करता है। इसे मरीज पर तीन दफ़ा पढ़ा जाए वो दम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किस्म के मरीजों पर फरमाया करते थे, तकलीफ को मिटा दे। ऐ लोगों के रब, शिफा देना सिर्फ तेरे ही हाथ में है, बीमारी तकलीफ वगैरह को दूर करने वाला तेरे सिवा और कोई भी नहीं।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बद नज़र और जादू असेब को हमसे दूर ही रखे। आमीन। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।